लाइट ऑफ लाइफ जिंदगी की रोशनी से गाइड वक्ता कौन है डॉक्टर मल्लिका सैमुअल जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a wonderful thing it is to come and have fellowship with you all today. और ये सच में बड़ी अद्भुत बात है कि हम आके आपके साथ में आज संगति कर पा रहे हैं। It's a great thing to study God's word week after week. हर हफ्ते परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना ये सच में एक महान बात है। I trust that you have all been spending time with God every day. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में समय बिताते जा रहे हैं। My dear viewers. मेरे प्यारे दर्शकों। You know. Spending time with God is like taking our food every day. परमेश्वर के साथ में समय बिताना तो ये हमें जैसे लगता है कि प्रतिदिन हम भोजन करते जाते हैं। Can you live without eating? क्या आप बिना खाए कभी जी सकते हैं? Or without drinking water? या पानी पिए बिना क्या आप जी सकते हैं? So also as God's children, we cannot live without having fellowship with Him. और इसी तरह से परमेश्वर की संतान होने के नाते हम परमेश्वर के साथ संगति के बिना नहीं जी सकते हैं। You know, in the last few days, we have spoken about the crucifixion of our Lord Jesus. आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में चर्चा की है। And then we spoke about the resurrection. और फिर उसके बाद में हमने पुनरुत्थान के बारे में चर्चा की है। But today we're going to talk about something different. लेकिन आज हम कुछ अलग बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। We're going to talk about something which is very relevant for our day-to-day living. और आज हम तो बहुत ही व्यवहारिक यानी हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए जो बहुत ही व्यवहारिक बात है उस पर चर्चा करेंगे। We're going to talk about life principles to live by. और हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन जीने के लिए कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। We understand all of us that we are actually on a journey. और निश्चय हम सब इस बात को समझते हैं कि हम सब लोग वास्तव में एक यात्रा पर हैं। This journey started when we were born into this world. और ये यात्रा तो जब हम इस संसार में जन्म लिए थे तभी से शुरू हो गई थी। At this time, our parents took care of us. और उस समय बचपन में हमारे माता पिता ने हमारी देखभाल की। They nourished us and they cherished us. उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। Because they wanted us to grow. क्योंकि वो चाहते थे कि हम बढ़ते जाएं। They wanted us to grow physically and mentally. वो चाहते थे कि हम शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में बढ़ते चले and जाएं। Also spiritually. और साथ साथ में आत्मिक रूप में भी बढ़ते जाएं। And then we went into adulthood. और फिर उसके बाद में हम वयस्क हो गए। And into adulthood we went and then we were called to bear responsibilities. और जब हम वयस्क हो गए तो हमें जिम्मेदारी उठाने के लिए बुलाया गया। And towards ourselves. और हमारे खुद के लिए। Toward our families. हमारे परिवार के लिए। Towards our society. हमारे समाज के लिए। And then most importantly toward God. और फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के लिए। Who is the reason why we are alive and well today? और वही तो कारण है कि आज हम जीवित हैं और आज हम अच्छे हैं। So you understand then that this journey is very important and significant in each of our lives. तो आप इस बात को समझ लें कि ये जो यात्रा है ये तो हम में से हर एक के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। We need to travel this on this road in a very very good way. और हमें इस मार्ग पर बहुत ही अच्छी तरह से चलते चले जाना है। In a way that is going to benefit not just us but also the people around us. और इस तरीके से हमें चलना है जिससे केवल हमें ही नहीं लेकिन हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ हो सके। Now our journey ends. हमारी जो यात्रा है वो खत्म होती है। When we close our eyes for the last time. जब हम अपनी आंखें आखिरी बार बंद कर लेते हैं। But as children of God. लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते। We believe that though we may not be physically alive. हम ये विश्वास करते हैं कि
चाहे शायद हम शारीरिक रूप में जीवित न हो, our spirit rests in God's presence. लेकिन फिर भी हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करती है. We looked at that when we talked about the resurrection. और जब हमने पुनरुत्थान के बारे में कहा तो हमने इसके बारे में देखा है. Now, during this journey, we need to walk very carefully. और इस यात्रा में हमें बहुत ही सावधानी से चलना होगा. Now, the book of Proverbs uses this key word. अब यहाँ नीति वचन की किताब इस मुख्य शब्द का उपयोग करती है, of wisdom, बुद्धि इस शब्द का उपयोग करती several है, times. कई बार उपयोग करती है. This wisdom teaches us the ability to live skillfully. और ये जो बुद्धि है ये तो हमें बहुत ही महारत के साथ में जीवन जीने की योग्यता सिखाती है. Living a godly life, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीना, in an ungodly world, भक्तिहीन संसार में, is no simple assignment. और ये कोई सरल सा काम नहीं है. So how do we live successfully? तो फिर हम सफलता के साथ में कैसे जी सकते हैं? Are there any rules? क्या इसके लिए कोई नियम है? We live by the guidance that we receive from the Word of God. हम उस मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं जो हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं. We must also study the life of Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करना होगा. And pick up the principles that He has demonstrated to us. और उसने जो हमें सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को लेते जाना होगा. As to live, how to live a good life. कि हम इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जी सके इसे सीख सके. In fact, His name was Emmanuel. और सच में उसका नाम है Emmanuel. God with us. परमेश्वर हमारे साथ. God dwelling in our midst. परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है. God teaching us how to live. और परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम कैसे जिए. Now we have to understand this very clearly in our minds. और हमारे मन में इस बात को हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से समझना होगा. That God the Father was always pleased with the life of Jesus. कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से हमेशा प्रसन्न हुआ है. He was pleased with what he did and what he said. और उसने जो कुछ भी किया और जो कुछ उसने कहा उससे वो प्रसन्न हुआ. How do we know that? हम इसे कैसे जानते हैं? Three distinct times. तीन अलग-अलग बार. God the Father. पिता परमेश्वर ने. Has borne testimony to his son Jesus. अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है. Endorsing the fact. और इस सच्चाई के ऊपर जोर देते हुए. That Jesus was indeed his son. कि यीशु सच में उसका पुत्र है. And he was well pleased with all that he did. और उसने जो कुछ भी किया उससे पिता परमेश्वर प्रसन्न है. In the first instance. और यहाँ पर पहली घटना में. This was in Luke chapter 3 and verse 22. और ये है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 32 में. And this tells us about the baptism of Jesus. और ये तो यीशु के बपतिस्मे के बारे में हमें बताता है. His cousin John, और उसका जो भाई जो था वो यूहन्ना, was baptizing people in the river Jordan. उसका रिश्ते का भाई यूहन्ना यर्दन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था. Now Jesus also came to John to be baptized. और यीशु यहाँ पर यूहन्ना के पास में बपतिस्मा लेने के लिए आया. And when he was under the water and when he arose up from the water, और जब वो पानी के नीचे गया और पानी में से जब ऊपर आया, what do we read? तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? We read that the Holy Spirit came upon him. हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर उतर आया. In the form of a dove. कबूतर के रूप में उतर आया. And a voice came down from heaven. और ये आकाशवाणी हुई. And it said, You are my beloved son. और उसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है. In you I am well pleased. मैं तुझसे प्रसन्न हूँ. What a great thing. ये कितनी महान बात है. That God Himself. कि स्वयं परमेश्वर should bear testimony, वो तो यहाँ पर गवाही देता है, that Jesus was his son and he was pleased with him, कि यीशु उसका पुत्र है और वो तो उससे प्रसन्न है. Now isn't that what you and I want? क्या आप और मैं ये नहीं चाहेंगे? We want that as we live in this life, और जैसे कि हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं हम इसे चाहेंगे, and we live according the principles that God wants us to live, और परमेश्वर जिस सिद्धांत से चाहता है कि हम जीते चले जाएं हम उसी सिद्धांतों के अनुसार जीते जाएंगे, that he will say, कि वो ये कह सके, I am pleased with you, कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ. The second instance. दूसरी घटना. Luke chapter 9 verses 34 and 35. लूका अध्याय 9 वचन 34 और 35 में हम देखते हैं. Now what do we see here? यहाँ पर हम क्या देखते हैं? This is the scene of the transfiguration. और ये तो ये रूपांतरण का पहाड़ है. We see Jesus on the mountain. और हम यहाँ पर यीशु को एक पहाड़ के ऊपर देखते हैं. He had gone up there with his chosen disciples. और वो अपने चुने हुए चेलों के साथ में वहाँ पर जाता है. James, John and Simon. याकूब यूहन्ना और शिमोन के साथ. And at this time what happened? और इस समय क्या होता है? Moses and Elijah were seen
conferring with Jesus. मूसा और एलिया जो है वो तो यीशु के सामने वहाँ पर प्रकट होते हैं. And at this very time, अब बिल्कुल इसी समय, a cloud came and overshadowed them. एक बादल आकर उन्हें घेर लेता है, उन पर छा जाता है. And a voice came from the cloud. और उस बादल में से ये आवाज आती है. And it says, "This is my beloved son." और वो ये कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. Listen to him. और तुम इसकी सुनो. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, are you beloved of the Lord? क्या आप प्रभु के प्यारे लोग हैं? Are you beloved of the Lord and doing His will? क्या आप परमेश्वर के प्यारे लोग हैं और उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? So that Jesus will say, listen to Him. कि यीशु ये कह सके कि हाँ तुम इनकी सुनो. Listen to her. कि तुम उसकी सुनो. Thirdly, तीसरी बार, we see third instance in the book of John. और हम तीसरी घटना यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं. Chapter 12 and verse 28. और यहाँ पर अध्याय 12 वचन 28 में हम इसे देखते हैं. This is the last of the three remarkable occasions. और ये तो आखिरी तीन घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी घटना है. When God the Father spoke directly from heaven concerning Jesus. यहाँ पर पिता परमेश्वर ने यीशु के बारे में सीधा स्वर्ग से बातें की. You know, in this situation, जानते हैं ऐसी परिस्थिति में, Jesus had just had his triumphant entry into Jerusalem. यीशु ने यहाँ पर यरूशलेम में अपने विजयी प्रवेश किया था. But when this was over, लेकिन जब ये पूरा हो गया, Jesus began to be troubled within him. यीशु अपने भीतर से बहुत ही व्याकुल हो गया. Because he knew what lay ahead of him. क्योंकि वो जानता था कि उसके आगे क्या होने वाला है. He knew that in the following days he is going to be arrested and then he is going to be put on a false trial and then crucified. और वो ये जानता था कि आने वाले दिनों में उसे बंदी बनाया जाएगा, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा और फिर उसे क्रूस पर मारा जाएगा. And so he says in verse 27. और यहाँ पर वचन 27 में वो कहता है. He says, now my soul is troubled. वो कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है. What should I say? इसलिए अब मैं क्या कहूँ? Father, save me from this hour. हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा. No, it was for this very reason that I came to this hour. नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी तक पहुंचा हूं. Father, glorify your name. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर. And at this time, a voice came from heaven. और इस समय एक आकाशवाणी हुई. And says, I have glorified it. और वो कहता है, मैंने उसकी महिमा की है. And I will glorify it again. और फिर भी करूंगा. The crowd that was around him heard that voice. और जो लोग उसके साथ में खड़े थे उन्होंने इस आवाज को सुना. Some said it was thundering. किसी और उन्होंने कहा कि ये बादल गर्जा है. And the others said an angel had spoken to him. और दूसरों ने कहा कि कोई स्वर्गदूत उससे बोला. But this was yet another time when God in heaven accepted the fact that Jesus was his son. लेकिन ये एक और ऐसी बात है जहाँ पर स्वर्ग के परमेश्वर ने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु उसका पुत्र है. And he was glorifying him. और वो उसकी महिमा कर रहा है. God the Father was pleased with Jesus. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में प्रसन्न था. The question is he pleased with you and me? सवाल यही है कि क्या वो आपसे और मुझसे प्रसन्न है? That is why we need to study the principles that we need to live by this life. और इसीलिए जिस सिद्धांत से हमें इस जीवन को जीना है, उन सिद्धांतों को हमें सीखते चले जाना है. The very first. सबसे पहली बात. Is that we should live close to God. कि हमें परमेश्वर के निकट रहकर जीना है. Jesus has said. यीशु ने ये कहा है. That the only way we can come to the Father is through Him. केवल एक ही तरीके से हम पिता के पास में आ सकते हैं और वो है उसके द्वारा. My dear viewers. मेरे प्यारे दर्शकों. I want you to understand this. मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझ लें. I want you to write this in your heart. मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने दिल में लिख लें. Because the only way that you can come to God is through Jesus. क्योंकि एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं, वो है यीशु मसीह के द्वारा. So we need to have a living and a growing relationship with him. और इसीलिए हमें उसके साथ में जीवित और बढ़ने वाला ऐसा जीवन जीते चले जाना है. Our intimacy with God. परमेश्वर के साथ की हमारी नजदीकी. You know, all of us have realized that our greatest need is to know that we are loved by someone. आप जानते हैं, आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम ये जान लें कि हाँ कोई हमसे प्यार. Each of us has to feel certain deep down in our hearts that somebody loves us. हम में से हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि अपने दिल में महसूस करे कि हाँ कोई मुझसे प्यार करता है. Someone cares for us. कोई मेरी परवाह करता है. And someone has our best interest in their heart. और कोई अपने दिल में मेरे लिए पूरी दिलचस्पी रखता है. Very difficult to find this nowadays. इन बातों को आज के इन दिनों में पाना बहुत ही मुश्किल है. But that is how God designed us. लेकिन परमेश्वर ने हमें इसी तरह से बनाया है. And he wants us to know. और वो चाहता है कि हम जान ले. He loves us. कि वो हमसे
प्रेम करता है with a passionate intensity, बड़ी जिज्ञासा के साथ में बड़ी तीव्रता के साथ too deep for words. और ये तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. You know, in Genesis 1 and 26 we see, आप जानते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में हम देखते हैं that God said, कि परमेश्वर ने कहा let us make man in our image, कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं according to our likeness, अपनी समानता में उसे बनाएं. God created human beings. Why did he create us? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? He created us because he wanted us to have fellowship with him. उसने हमें बनाया क्योंकि वो चाहता था कि हमारे साथ में संगति रख सके. First with himself, सबसे पहले उसके साथ में, and then with others, और फिर दूसरों के साथ में. But we cannot fully love one another, लेकिन हम पूरी तरह से एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते, until we have experienced God's love in our hearts. जब तक कि हम अपने दिल में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव न कर लें. When we experience His love, जब हम उसके प्रेम का अनुभव करते हैं, we willingly surrender. तो हम बड़ी इच्छा से समर्पण करेंगे. To His call, उसकी बुलाहट को. To be our savior, कि वो हमारा उद्धारक हो जाए. Our Lord, हमारा प्रभु हो जाए. And our friend, और हमारा मित्र हो जाए. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are some of us, हम में से ऐसे कुछ लोग हैं, who have never known love, जिन्होंने कभी प्रेम को नहीं जाना है. And when we talk about the fact that there is Jesus and He can love you in a great way, जब हम इस सच्चाई के बारे में बताते हैं कि यीशु है और वो आपसे महान तरीके से प्रेम करता है, we cannot believe this. तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं. Because they have never known love in their lives. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रेम को नहीं जाना है. But God's love is different, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो बिल्कुल अलग है. Maybe your family has thrown you out. शायद आपके परिवार ने आपको निकाल दिया है. Maybe your spouse has rejected you. शायद आपके जीवन साथी ने आपका तिरस्कार किया है. Maybe your children have treated you badly. शायद आपके बच्चों ने आपसे बुरा व्यवहार किया है. But God loves you. लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Surrender to His love. आप उसके प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए. Then you will be able to love yourself better. और फिर आप अपने आप से बेहतर तरीके से प्रेम कर पाएंगे. No, when we're talking about surrendering ourselves to God, जब हम इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, there are at least 3 reasons. तो कम से कम इसके लिए 3 कारण हैं. God seeks our surrender. परमेश्वर हमारे समर्पण को खोजता है. Firstly, सबसे पहले, He loves us and He desires to have fellowship with us. वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे साथ में संगति करना चाहता है. He desires to have our worship. वो हमारी आराधना को पाना चाहता है. And as long as we hold something back from God, और जब तक कि हम परमेश्वर से कुछ चीजों को अपने लिए रख छोड़ते हैं, we cannot know Him completely. हम उसे पूरी तरह से नहीं जान सकते. Or we cannot experience His love. और ना ही हम उसके प्रेम का अनुभव कर सकते But हैं. When we surrender to Him, लेकिन जब हम उसे समर्पण कर देते हैं, we can experience all that He has for us. तो उसने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है उसका हम अनुभव कर सकते हैं. So we love God because He desires our fellowship and worship. हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारी संगति और हमारी आराधना की इच्छा रखता है, मनसा रखता है. We come to Him. हम उसके पास आते हैं. We fully surrender to Him. हम उसे पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं. And in our surrender, और हमारे समर्पण में, He has joy. वो आनंद पाता है. Secondly, दूसरी बात, He wants us to surrender because He wants our service for Him to be effective and fruitful. वो चाहता है कि हम उसे समर्पण करें क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो हम सेवा कर रहे हैं वो तो बहुत ही फलवंत हो जाए और बहुत ही प्रभावी हो जाए. You know, we may want to do many things for God. शायद हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. We have very good plans. हमारे पास में बहुत अच्छी योजनाएं हो. We have put a lot of thinking into it. हमने इसके अंदर बहुत सी सोच विचार रखे हैं. We have got many sponsors to help us do this. और इसे करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमने बहुत से स्पॉन्सर बनाकर रखे हैं. Everything is going well. सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है. But unless we actually surrender to God, लेकिन जब तक कि हम स्वयं परमेश्वर को समर्पित न हो जाएं, and put our service at His feet, और अपनी सेवाओं को उसके चरणों पर न डाल दें, and allow Him to guide us every step of the way, और हमारा मार्गदर्शन करने की अनुमति दे, our service will not be effective or fruitful. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी सेवा प्रभावी नहीं होगी और ना ही फलवंत होगी. So why does He want us to surrender to Him? तो वो क्यों चाहता है कि हम उसे समर्पण कर दें? So that our service
harvest for him will be effective and fruitful. कि हमारी जो सेवा उसके लिए है वो तो बहुत ही प्रभावी हो, बहुत ही फलवंत हो. The third reason he wants us to surrender to him. तीसरा कारण है कि वो चाहता है कि हम उसके लिए समर्पित हो जाएं. Because he waits for the freedom to bless us. क्योंकि वो राह देखता है कि हमें आजादी से या स्वतंत्रता से हमें आशीष दे. You know it is possible. जानते ये संभव है. That when we should be actually coming to God, we are going somewhere else. कि जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर परमेश्वर के पास आने के बजाय हम और कहीं चले जाएं. We may be very busy. हम शायद बहुत ही व्यस्त हो सकते हैं. We are running here and there. हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं. But we do not have the time to surrender our heart fully at God's feet. लेकिन हमारे पास में समय नहीं होता है कि अपने पूरे दिल को परमेश्वर के चरणों पर समर्पण कर दें. So in not doing this. और इसे करते हुए. We do not have the blessing that God could give us. कि हम वो आशीष नहीं पा सकते जो परमेश्वर हमें दे सकता है. He waits for us to surrender. वो राह देखता है कि हम उसे समर्पण करें. So that he has the freedom to bless us. कि उसके पास में हमें आशीष देने के लिए स्वतंत्रता हो. Some of the things that we do. और हम कुछ ऐसे काम करते हैं. Tie God's hands which he is not able to bless us. जिसके कारण हम परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं और वो हमें आशीष नहीं दे पाता है. So if something is not going well. यानी अगर कुछ सही नहीं चल रहा है. We need to ask God, have I done something which is preventing the blessing from coming to me? तो हमें परमेश्वर से ये पूछना है, परमेश्वर क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण मेरी आशीष मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है? God is omnipotent. परमेश्वर सर्वसामर्थी है. He will not violate his own principles. वो अपने सिद्धांतों को कभी नहीं तोड़ेगा. He draws us to himself. वो हमें अपने करीब लेकर आता है. So that we can experience his love and forgiveness. कि हम उसके प्रेम और उसकी क्षमा का अनुभव कर सकें. He asks us to willingly surrender. और वो हमसे चाहता है कि हम अपनी इच्छा से उसे समर्पण कर दें. So that he can give us the best. कि वो हमें सबसे उत्तम दे सके. This is what I want for you, my dear brothers. मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके लिए यही तो चाहती हूँ. And my dear sisters. मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए मैं यही चाहती हूँ. That you would fully surrender to God. कि आप पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण कर दें. We will not resist. हम इसका इनकार नहीं करेंगे. And we will fully surrender to him. और हम निश्चय पूरी तरह से उसको समर्पण कर देंगे. But there are times when we want to resist. लेकिन ऐसा समय होता है जब हम उसका इनकार करना चाहते हैं. What is the reason? और इसका कारण क्या है? Our pride. हमारा घमंड. We think that we know better than God. हम ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से बेहतर तरीके से पता है. And we can handle our lives much better. और हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से निपट सकते हैं. So we keep God at a distance. There are some of us who keep God at a distance. और इसीलिए हम परमेश्वर को दूर ही रखते हैं. कुछ लोग परमेश्वर को दूर रखते हैं. No, I would like to do this my own way. नहीं, मैं अपने तरीके से इसे करना चाहता हूँ. Why bother God? क्यों परमेश्वर को परेशान करें? That is not for me. ये मेरे लिए नहीं है. But there are some who do not surrender. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समर्पण नहीं करते हैं. Because they fear what God will do. क्योंकि वो डरते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा. Or he will not do. या वो क्या नहीं करेगा. For them. उनके लिए. They think that if they give him full control. वो ये सोचते हैं कि अगर वो परमेश्वर को पूरा नियंत्रण दे दें. He will make them do exactly what makes them really miserable. उनके लिए वो ऐसा कुछ करेगा जिसके कारण ये बहुत ही दयनीय दशा में पड़ जाएंगे. But this is not true. लेकिन ये बात सच नहीं. Because God gives you joy in the depth of your heart. परमेश्वर ही है जो आपके दिल की गहराई में आपको आनंद देता है. When we do God's will, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, by fully surrendering to Him, उसे पूरी तरह से समर्पण करने के द्वारा, we have a peace that nothing can shake. तो हमारे पास ऐसी शांति होती है जो कोई हिला नहीं सकता है. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, surrender yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें. Now still there are others who refuse to surrender to Christ. अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मसीह को समर्पण करने से इनकार करते हैं. Because they believe Satan's lie. क्योंकि वो शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं. Which tells them that God is judgmental. जो ये कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर तो न्याय करने वाला है. He will punish them for their mistakes. उनकी सारी गलतियों के लिए वो उन्हें दंड देता चला जाएगा. Are you going out with somebody? आप किसी के साथ में अगर बाहर जाते हैं, against your parents' wishes, अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध में, God is going to judge you. तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा. He will finish you off. वो तुम्हें खत्म कर देगा. Is that what God is saying? क्या परमेश्वर यही कह रहा है? He never says that. वो कभी ऐसे नहीं कहता. He says, yes, you are doing wrong. हाँ, वो कहता है तुम गलत कर रहे हो. But
come to me. लेकिन तुम मेरे पास आओ. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will take care of you. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. I will make sure that you go in the right way. मैं इस बात को निश्चित करूंगा कि तुम सही मार्ग में जा रहे हो. I'm not going to judge you. मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा. I'm going to help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. It's your actions that will judge you. ये तुम्हारी क्रियाएं जो तुम्हारा न्याय करेगी. So God has always got the best in His mind for us. और इसलिए परमेश्वर ने अपने मन में हमारे लिए सबसे उत्तम ही रखा है. You know the Bible tells us. आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है. That He will refuse us no good thing. कि वो हमसे कोई भी भली बात दूर नहीं रखेगा. When we gladly submit to His will. जब हम बड़ी खुशी से उसकी इच्छा के लिए समर्पित होते हैं तब. Romans 8 and verse 32. रोमियो अध्याय 8 वचन 32 कहता है. Jeremiah 29 and verse 11. यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 ये कहता है. This is one of my favorite verses. और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है. I know the plans that I have for you. और ये कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखी है उसे मैं जानता हूँ. Declares the Lord. प्रभु यहोवा ये घोषित करता है. Plans for welfare and not for calamity. और ये तो तुम्हारी भलाई की है, ये तुम्हारे विनाश की नहीं है. To give you a future and a hope. कि मैं तुम्हें अच्छा भविष्य दूं और तुम्हें आशा दूं. We may go through much trial. शायद हम बहुत सी परीक्षाओं में से होकर जाएं. We may think that this is the end. हम शायद ये सोचे कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है. But if you are in the center of God's will. लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहते हैं. God is able to give you a future and a hope. तो परमेश्वर आपको भविष्य और आशा दे सकता है. Be encouraged, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, आप प्रोत्साहित हो जाएं. So it only makes sense to surrender to God. और परमेश्वर के लिए समर्पित होना ये तो सच में बड़े समझ की बात है. You know, there was a lady called Anne Graham Lotz. एक बहन थी जिसका नाम था Anne Graham Lotz. And she was interviewed about the many trials she has faced before. उन्होंने अपने जीवन में पहले जितनी भी परीक्षाओं का सामना किया इसके कारण उनका इंटरव्यू लिया गया. Her parents were very sick. उनके माता पिता बहुत ही बीमार थे. Her son had cancer. उनके बेटे को कैंसर था. And she came to a point where she was completely broken. और वो तो ऐसी जगह पर आई जहाँ पर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी. And at this point of time. और उसके जीवन के इस समय में. She cried out. वो पुकार उठी. All I want is Jesus. मुझे बस यीशु चाहिए. All I want is Jesus. मुझे बस यीशु चाहिए. Just give me Jesus. मुझे बस यीशु दीजिए. And realized that if she had a personal and intimate relationship with Jesus. और उसने ये जाना कि अगर वो यीशु मसीह के साथ में हमेशा का और बहुत ही करीबी ऐसा संबंध रखती है. Who was the savior of this universe. जो कि इस जगत का उद्धारक है. Then whatever problem she faced. तो उसकी जो भी समस्या हो. He would face with her. तो वो उसके साथ उसका सामना करेगा. He would bring a sweet resolve. और वो उसके लिए बहुत ही मधुर ऐसा ये परिणाम लेकर आएगा. And a peace to her heart. और उसके दिल में वो शांति लेकर आएगा. Is this the cry of your heart? क्या आपके दिल की यही पुकार है? So today, इसलिए आज, we would all want to walk with Jesus. हम सब चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ में चलें. That is the first principle in our life. और यही तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा सिद्धांत है. He will come to you in a mighty way. और वो बहुत ही सामर्थ्य रीति से आपके पास में he आएगा. Will bring hope and light to your situation. कि वो आपकी परिस्थिति में आशा और ज्योति लेकर आए. No matter how dark and hopeless it may be. चाहे वो कितना भी अंधकार से भरा हो, कितना भी आशाहीन हो. Have an intimate relationship with Jesus. आप यीशु के साथ में बहुत ही करीबी संबंध रखें. He loves you. वो आपसे प्रेम रखता है. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father God, we just thank you and praise you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं. That you are a God who has given everything that you had to us. कि प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है, जो कुछ भी तूने अपने पास रखा है, वो सब कुछ हमें दिया है प्रभु. Because you loved us and you still love us so much. क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है और तू हमसे भी अभी बहुत प्रेम करता है. You are calling out to us. तू हमें पुकारता है. And so that when we come to you. और इसीलिए जब हम तेरे पास में आते हैं. We may enjoy your protection and your love. तो हम तेरी सुरक्षा का और तेरे प्रेम का अनुभव कर पाएंगे. And that is why you want us to be with you. और इसीलिए तू चाहता है कि हम तेरे साथ में हो. Open our hearts to your love, Father. हे पिता, अपने प्रेम के लिए हमारे दिल को खोल दे. Take away everything that's coming between us. और जो कुछ भी हमारे बीच में आता है उन सारी बातों को दूर कर. Help us to surrender to you. हमारी मदद कर प्रभु कि हम तुझे समर्पित हो जाएं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन.